युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 20 जो कि खेला जाएगा काजीरंगा रिनोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स के बीच में। दोनों टीम्स के एक एक प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। इस सीजन में दोनों टीम्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल दोनों टीम्स में से स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, वीक टीम कौन सी है, किसके फेवर में टीम बनानी चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको एक एक प्लेयर की पोजीशन भी बताऊंगा प्लस टीम भी बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मैच में विनिंग का। तो वीडियो को देखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट यार, अगर एक लाइक कर दोगे ना तो मोटिवेशन मिलता रहेगा, काम करने में मज़ा आता रहेगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि काम करने में मज़ा आता रहे। अब चलिए भाई यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले भाई दोनों टीम्स की प्लेयर पोजीशन देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी टीम वीक है और इस सीजन में क्या कुछ रिकॉर्ड रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले काजीरंगा रिनोद से स्टार्ट करते हैं। तो इनकी टीम की तरफ से श्रेयस कुमार आर्या आपको दिखेंगे, आयरा आपको दिखेंगे। इनकी अगर बात करें तो ये भाई आपको राइट कवर पर खेलते नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में भाई इन्होंने 3 टैकल निकाले हुए हैं। राइट कॉर्नर की बात करें तो सुशांत सेट्ठी आपको राइट कॉर्नर पर नजर आएंगे जो कि ठीक ठाक लास्ट मैच में भी एक टैकल निकाल कर आ रहे हैं, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दीपक चौधरी की बात कर लेते हैं तो ये भाई है बंदा आप डिफेंस एक्शन में, लेकिन आपके लिए ऑलराउंडर का काम भी ये करके दे देगा, रेडिंग भी करके दे देगा और डिफेंस भी करके दे देगा। मेन काम हालांकि डिफेंस का रहेगा, ये भाई आपके लिए लेफ्ट कॉर्नर पर खेलता नजर आएगा बट ये लेफ्ट कवर पर भी खेल लेता है। तो ये ऐसी बात नहीं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब कॉर्नर पर ही खेलता दिखेगा, आपको कवर पर भी खेलता दिख जाएगा। इसके अलावा सौरभ दास की बात करें तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये भी भाई कवर की पोजिशन पर खेल लेगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक टैकल इन्होंने भी लास्ट मैच में किया हुआ है। नीचे अगर आप बात करोगे सोमेश एसके की तो ये भाई सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल रहा है, और अगर बात करें इनकी ऑफिशियल पोजीशन की तो ये भी राइट कॉर्नर पर आपको खेलते नजर आ जाएंगे। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो सी नेक यहाँ पर भाई चंद्रा नेक दोनों मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चंद्रा नेक ऑलराउंडर का रोल प्ले करेगा, हालांकि इस मैच में ना तो बंदा रेडर रहा ना ही डिफेंडर रहा, कुछ भी यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। इसके अलावा ऐसे दर्शन भाई बंदा लगातार ही तो अच्छा कर रहा है, यहाँ पर पहले मैच में 16 टच पॉइंट है बोनस पॉइंट, इसके बाद यहाँ पर भाई सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए 5 टच पॉइंट यहां पर दे गया, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से बैक कीजिएगा, इन्हें अपने टीम में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा बात करें यहां पर भाई अगर बात करें विनोद संधामानी की तो विनोद संधामानी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट साइड से रेडिंग करेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और यहां से भाई शशांक आचार्य भी राइट साइड से रेडिंग करता नजर आ जाएगा, लास्ट मैच में इन्होंने भी 5 टच पॉइंट एक टैकल निकाला हुआ है, यानी कि भाई लेफ्ट इन राइट इनकी पोजिशन पर खेल भी लेगा प्लस आपको रेडिंग भी करके दे देगा, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में बैक कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब अगर बात करें सामने वाली टीम की तो चलिए भाई बात कर लेते हैं पेरियार पैंथर्स की। इनकी टीम की तरफ से अपने लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन कहां पर खेलेगा, तो चलिए भाई रवि भाटी से स्टार्ट करते हैं। यहां पर इनको देखोगे तो राइट कवर की पोजिशन पर ये आपको खेलते नजर आएंगे, लास्ट मैच में 2 टैकल है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। गौरव प्रवीण बंसल की बात करें तो राइट कॉर्नर पर खेलेगा, लास्ट मैच में 4 टैकल करके आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एन धारी की बात करें तो ये भी भाई आपको कवर की पोजीशन पर खेलता नजर आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो दिखेगा भाई लकी कुमार जो कि भाई लेफ्ट कॉर्नर पर आपको खेलता नजर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट मैच में इन्होंने भी 4 टैकल निकाले हैं। कि वहीं अगर बात करें कृष्ण मावाई की तो लास्ट मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए भाई इन्होंने 5 टच पॉइंट निकाले, एक बोनस पॉइंट निकाला। वहीं अगर आप देखोगे आर्यादीप देसवाल दोनों मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहे हैं। कुणाल भाटी की बात करें पहले मैच में भी डिसेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पर आप देखिए 16 टच पॉइंट, दूसरे मैच में भी भाई यहाँ पर 6 टच पॉइंट इन्होंने निकाले हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जरूर से रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें एस नरेंद्र गौर, ये राइट साइड से रेडिंग करते नजर आ जाएंगे, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर
मतलब कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है कौन सी टीम वीक है, तो चलिए उसके बारे में भी बता देता हूँ, तो वो भी जान लीजिए। और उसके बाद अभी मैं आपको टीम भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस सीजन में क्या परफॉर्मेंस रही है काजीरंगा रिनोज और यहाँ पर भाई पेरियार पैंथर्स की, तो दोनों टीम्स में से भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे काजीरंगा रिनोज को, तो एक मैच जीत के आ रहे हैं, एक मैच टाई खेल कर आ रहे हैं। पेरियार पैंथर्स एक मैच जीत के आ रहा है, एक मैच हार के आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पेरियार पैंथर्स की टीम थोड़ी सी मोर बैलेंस नजर आती है एज कंपेयर टू काजीरंगा रिनोस, तो आप पेरियार पैंथर्स की टीम को फेवर करके अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो चलिए मैं टीम बना के दिखाता हूँ, बट उससे पहले याद दिला दूँ जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, फाइनल अपडेट रहेगी, वो आपको टेलीग्राम पर आफ्टर लाइनअप्स मिल जाएगी। यहाँ से एस कुमार आर्या को मैं टीम में रखूंगा, रवि भाटी को टीम में रखूंगा, डी कुमार चौधरी को, और यहाँ से जी प्रवीण बंसल को टीम में रखूंगा, यहाँ से एल कुमार को हम टीम में रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां से देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एस दर्शन खेलता है तो मैं यहां से भाई इसे अपनी टीम में जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, फिर यहां से भाई हम अपनी टीम में लेकर चलेंगे के भाटी को, ठीक है। तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जहां पर मैंने 4-3 का रेशियो लिया इन फेवर ऑफ पेरियार पैंथर्स। सीवीसी की बात करेंगे, कैप्टनसी कुणाल भाटी के साथ जाएगी, वीसी एस दर्शन को देने वाला हूं, या फिर अगर आप चाहो तो पेरियार पैंथर्स की टीम से लकी कुमार को दे सकते हो, जो कि थोड़ा रिस्की है बट दे सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं एस दर्शन को दे रहा हूँ। टीम के प्रीव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तब तक के लिए टीम सेव कर लीजिएगा।